आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। कितना सुरक्षित है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन? क्या आतंकी हमले से महफूज है चारबाग रेलवे स्टेशन? कितने मुस्तैद हैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद सुरक्षाकर्मी? टिकट लेने के साथ ही भारतीय रेल आपके मंगल यात्रा की कामना करता है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपकी मंगल यात्रा पर किसी दहशतगर्द की काली निगाह पड़ जाए तो क्या होगा? इसी का हम आज रियलिटी टेस्ट करेंगे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। तो आइए चलते हैं। तारीख 7 अप्रैल 2017, वक्त सुबह 10 बजे, स्थान लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। जहां पर एक दिन में हजारों लोग ट्रेन से चढ़ते और उतरते हैं, वहां पर अच्छी खासी भीड़ भी होती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी चारबाग रेलवे स्टेशन काफी संवेदनशील माना जाता है, इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद होने के दावे भी खूब किए जाते हैं। इन्हीं दावों का रियलिटी टेस्ट करने के लिए एक्सपोज इंडिया की टीम सुबह 10 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचती है। टीम के एक सदस्य के पास थैले में एक टिफिन बॉक्स था और उस टिफिन बॉक्स को लेकर हमारी टीम सबसे पहले मीटर गेज प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती है। स्टेशन पर पहुंचने पर गेट पर मौजूद था डिटेक्टर, जिसमें स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों की जांच की जाती है। लेकिन हैरानी तब हुई जब एक्सपोज इंडिया का रिपोर्टर बिना किसी चेकिंग के ही स्टेशन में प्रवेश कर गया और किसी भी सुरक्षा कर्मी ने उसे रोकने तक की जहमत नहीं उठाई। स्टेशन में प्रवेश करने से पहले रिपोर्टर की नहीं हुई कोई चेकिंग, बेरोक टोक प्लेटफॉर्म पर पहुंची एक्सपोज इंडिया की टीम। कितना तैयार है आतंक की सुरक्षा के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन? क्या होता अगर बैग में होता कोई विस्फोटक? यकीन नहीं होता तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए किस तरह से बिना किसी रोक टोक के एक्सपोज इंडिया के रिपोर्टर ने स्टेशन में प्रवेश कर लिया। उसकी थैली की ना तो जांच की गई और ना ही उसे किसी तरह की चेकिंग का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक्सपोज इंडिया की टीम ने उस टिफिन बॉक्स को कुछ देर के लिए क्लोज सर्किट कैमरे के ठीक सामने भी रख दिया। कुछ देर इंतजार किया कि इसे देखकर शायद कोई सुरक्षा कर्मी या वहां पर मौजूद यात्रियों में से कोई उस बैग के बारे में पूछताछ करे। आप देख सकते हैं कि लावारिस अवस्था में टिफिन बॉक्स क्लोज सर्किट कैमरे के सामने काफी देर से रखा हुआ है, लेकिन उसकी पड़ताल करने के लिए कंट्रोल रूम से कोई सुरक्षा कर्मी नहीं आया। उसके बाद हमें लगा कि शायद छोटी लाइन में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं आती, तो यहाँ पर सुरक्षा में ढील हो सकती है। इसके बाद हमारी टीम ने निश्चय किया कि अब मुख्य स्टेशन की तरफ जाया जाए। इसके बाद हमारी टीम ने चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ रुख किया। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक्सपोज इंडिया की टीम डिटेक्टर के बगल से निकल गई और किसी ने कुछ पूछा तक नहीं। एक्सपोज इंडिया की टीम यहाँ भी क्लोज सर्किट कैमरे के सामने अपना टिफिन रख देती है और इंतजार करने लगती है कि शायद कोई यहाँ पर आए, लेकिन नतीजा वही झाक के 3 पास। यहाँ भी ना कोई सुरक्षा कर्मी उस टिफिन बॉक्स की पड़ताल करने आया और ना ही वहाँ बैठे लोग। काश एक ऐसा शब्द है जो बीते हुए समय का पोस्टमार्टम करता है। काश समय रहते ये टिफिन बॉक्स भी दिख गया होता तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हादसा होने के बाद अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को ये मिल ही जाता है।
रेलवे की सुरक्षा को लेकर जब रेलवे के डीसीएम से बात की गई, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जो सुरक्षा के जो हमारे कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो हम फॉलो करते हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसके अलावा हम जो हमने हम सुरक्षा के प्रति जो एहतियात बरतते हैं, इसमें यात्रियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी कोई संदिग्ध अगर वस्तु देखते हैं तो तुरंत जो है हमारे एजेंसियों को सपर्क। बहरहाल चारबाग रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की नंगी तस्वीर एक्सपोज इंडिया ने आपके सामने पेश की। साथ ही सवाल देश के रेल मंत्री से भी है, इस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग के बलबूते वो किस तरह से रेलवे की सुरक्षा के दावे कर सकते हैं, क्यों एक्सपोज इंडिया की टीम को किसी ने नहीं रोका, और सवाल ये भी है कि इस तरह की सुरक्षा का औचक निरीक्षण करने के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता। एक्सपोज इंडिया का रियलिटी टेस्ट ये बताने के लिए काफी है कि रेलवे का सुरक्षा बल कितना मुस्तैद है, साथ ही रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए कितना संजीदा है। फिर जनाब एक ही बात बचती है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ मैं आलोक द्विवेदी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Sana Khan and you're watching Exposed India.